बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ टू नेशन थीरी, विच लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मोमेंट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नो डाउट के सर सैयद अहमद खान जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस थीरी। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने ये टू नेशन थीरी पेश क्यों की? वो इस वजह से पेश की कि जब बनारस में हिंदुओं ने उर्दू के ख़िलाफ़ एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का वाक़या 1867 में पेश हुआ, तो उससे सर सैयद अहमद ख़ान बहुत ज़्यादा मायूस हुए। जबकि इससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, हमेशा उसके हक में थे। इवन दो कि वो इन दोनों कम्युनिटीज़ को एक दुल्हन की खूबसूरत आंखों से तशबीह देते थे और इनके लिए एक वर्ड यूज़ करते थे, कौम। बट इस इवेंट के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की जो माइंड होती है यूनिटी के लिए, वो कम्प्लीटली अल्टर्ड हो जाती है। क्लियर? इसके बाद है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वाक़या ऐड किया हुआ है कि जिन दिनों ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान का बनारस में शेक्सपियर के साथ मुलाकात हो जाती। ये शेक्सपियर वहाँ पे एक डिविजनल कमिश्नर के तौर पर होते हैं। क्लियर? तो शेक्सपियर ने मुस्कुराते हुए सर सैयद अहमद ख़ान से कहा कि मैंने फ़ॉर द फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते देखा है, हालांकि इससे पहले आप कभी भी मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि दोनों की हक के लिए बात करते थे। इन दोनों का डिस्कशन कुछ एजुकेशन के हवाले से हो रहा था, ठीक है। तो इसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहते थे? वो कहते हैं कि नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू कम्युनिटीज़ विल नॉट जॉइन होल हार्टेडली इन एनीथिंग। सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टू नेशन थियरी। Now, what is the definition and meaning of two-nation theory? So, the two-nation theory in its simplest way means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of the subcontinent. These difference of outlook, in fact, in giving rise to two political ideologies which were responsible for the partition of India into two independent states. मतलब क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी का, कि ये दोनों कम्युनिटीज़ जो कि सब कॉन्टिनेंट में रह रही थी, हिंदू और मुस्लिम, वो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, चाहे कल्चरल के हवाले से देख ले, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकनॉमिक, सोशली, हर लिहाज से ये एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट थे। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ कभी भी एक ख़त्ते के अंदर इकट्ठे नहीं रह सकते थे, और यही आइडियोलॉजी बाद में बेसिस बनी किस चीज़ का, पार्टीशन ऑफ इंडिया का, कि वो दोनों ये इंडिया दो स्टेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम डिफरेंसेस ऐड किए हुए हैं जो कि इन दोनों में पाई जाती हैं। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस डिफरेंस। रिलीजियस डिफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें, तो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। मुस्लिम इस्लाम को प्रीच करते हैं और एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जबकि हिंदू हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट मल्टीपल गॉड्स पर है, ठीक है। इसके अलावा हिंदुइज्म में सोसाइटी कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है। इनके कास्ट सिस्टम में टोटल 4 क्लासेस है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्य और शूद्रस, ठीक है। ब्राह्मण्स में प्रीस्ट पीपल शामिल है, क्षत्रिया में रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स शामिल हैं, वेश में आर्टिसंस, मर्चेंट्स, ट्रेडमेंट्स एंड फार्मर्स शामिल है, जबकि शूदर्स में लेबरिंग क्लास शामिल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में क्लियरली मौजूद है। नेक्स्ट, अगर हम हिंदू नेशनलिज्म की बात करें
और अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें तो टाइम टू टाइम हिंदुओं ने ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते थे जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट होती थी और झगड़े का बाइस बनती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं जबकि हिंदूज जो है वो सेल्फ मेड या सेल्फ बिल्ड कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, हिंदूज में से अगर कोई मर जाता है तो वो इनकी डेड बॉडी को जला लेते हैं, जबकि मुस्लिम्स अगर मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है। इसके अलावा जो हिंदूज हैं वो सती को प्रैक्टिस करते हैं, जबकि मुसलमानों की कल्चर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदूज जो हैं वो काऊ को सैक्रेड समझते हैं, एक सैक्रेड एनिमल समझते हैं और इसकी इबादत करते हैं, जबकि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो उसको स्लाटर करते हैं, ज़िबा करते हैं और इसको खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हिंदूज और मुस्लिम आपस में मिल बैठकर खाना नहीं खा सकते, ना एक दूसरे के साथ शादी कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस। सोशली हवाले से भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, क्योंकि इनके जो क्लोथ्स होते थे, फूड होती थी, हाउस होल्ड यूटेंसल एवरीथिंग के हवाले से अगर हम देख ले तो वो एक दूसरे से अलग अलग थे और हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हिंदुओं की तरफ देखें तो वो जब सलाम करते हैं तो किस तरह गेस्चर देते हैं और मुसलमानों के सलाम करने का तरीका कैसा है, तो हर लिहाज से अगर हम देख लें तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बड़ी डिफरेंसेस मौजूद। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इकोनॉमिक डिफरेंसेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 1857 की वॉर में नाकामी के बाद मुसलमानों की जो हालत है वो कम्प्लीटली क्रश्ड हो जाती, इकोनॉमिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जब्त कर लेते हैं, ब्रिटिश क्राउन इनको गवर्नमेंट सर्विस से हटा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम हिंदुओं की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती है और इस वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल डिफरेंसेस। हिंदूज जो है वो एजुकेशनली बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत आती है तो वो क्विकली वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल कर लेते हैं, जबकि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो वेस्टर्न एजुकेशन के हक में नहीं होते। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो कि इन दोनों में मौजूद था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आती है, कांग्रेस एटीट्यूड आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है। ठीक है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को हम डिस्कस कर चुके हैं, जबकि ये दोनों टॉपिक हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है लास्ट लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज के हवाले से भी अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान क्वाइट डिफरेंस पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों जो ज़ुबानें बोलती थी वो भी अलग अलग थी। इनके अलावा इनकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट होती थी या थॉट्स ऑफ पोइट्री, आर्ट्स, पेंटिंग, वर्ड्स ऑफ म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो ये तमाम डिफरेंसेस थे जो कि इन दो कम्युनिटीज़ के दरमियान मौजूद थी और इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थियरी को प्रेजेंट किया। नाउ लेट्स डिस्कस दी टू नेशन थियरी इन द व्यू ऑफ अल्लामा इकबाल। वेल, अल्लामा इकबाल वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थियरी। He firmly believed in the separate identity of Muslims as a nation.
इसके अलावा अलामा इकबाल ने 1930 में अलाहाबाद के मकाम पर जब वो एड्रेस दे रहे थे तो उस मौके पर भी उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया था। अलामा इकबाल ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बनाया जाएगा। वाइल अगर हम कायदे आज़म की बात करें सो द मोस्ट क्लियर एंड इम्फेटिक एक्सपोजिशन इज फाउंड इन जिना स्टेटमेंट्स एंड स्पीचेस। ही डिक्लेयर्ड मुस्लिम्स आर नॉट अ माइनॉरिटी, दे आर अ नेशन बाय एवरी डिफिनीशन ऑफ वर्ड नेशन। By all canons of international law, we are a nation. So ये थे कुछ briefly अलामा इकबाल और कायदे आज़म के हवाले से। In short, the entire freedom movement revolved around the two nation theory which was presented by Sir Syed Ahmad Khan. This is all about for today. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.